साथ योग गुरु आचार प्रतिष्ठा स्टूडियो में मौजूद हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, है क्योंकि अगर हमें गंतव्य ही नहीं पता कि हमें पहुंचना कहा है तो हम कोई सी भी गाड़ी ले लें ले, रस्ते में भटकते रह जाएंगे शास्त्र कहते हैं कि दुखत्रह निवृत्ति स्वरूपानंद वापतिश्च हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है दुखों से निवृत्ति पाना सुख की प्राप्ति करना अब प्रश्न उठता है सुख क्या है जब हम हजारों की संख्या में शिविर होते हैं हम पूछते हैं भाई कोई ऐसा है जो दुखी होना चाहता है कोई हाथ नहीं उठाता लेकिन जब पूछे कि भाई कोई है जो सुखी होना चाहता है सब हाथ उठाते हैं लेकिन हम उस सुख को कैसे समझे तो कहा गया शास्त्र ही आगे कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया यानी सबसे पहली खुशी है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो दूसरी खुशी कि उस स्वस्थ शरीर में मेरे अंदर एक स्वस्थ मन हो जो प्रफुल्लित हो खुश हो आनंदित हो हम भौतिक जगत में सुखों की प्राप्ति के लिए जितना भी कुछ ढूंढ रहे हैं सिर्फ एक चीज़ हमें याद रखनी है टेम्प्ररी चीज़ों में टेम्प्ररी हैप्पीनेस मिलेगी परमानेंट चीज़ में परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी हमारे ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहते हैं हम एज ह्यूमंस हमारी टेंडेंसी होती है हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं पर आनंद की बात यह है कि जैसे ही उसे प्राप्त कर लेते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव परिवर्तित हो जाता है और हम दूसरी चीज़ को खोजने में इतने मग्न हो जाते हैं कि जो पास है उसके आनंद को नहीं जी पाते तो हम इसमें योग में बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं हालांकि हैप्पीनेस को अगर हम थोड़ा वैज्ञानिक रूप से समझें तो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं उन हैप्पी हॉर्मोन्स को जनरेट करने के माध्यम योग में दिए गए लेकिन एक बहुत सरल सा उपाय आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे इसको हम कहते हैं भारत योग की ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन और अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन का आराम आरंभ इस दो मिनट के ध्यान के साथ कर ले तो आधे से ज्यादा दुख हमारे दूर हो जाएंगे और हम खुश रहना सीख लेंगे सिर्फ दो मिनट का काम आप प्रातः काल उठते ही आंख बंद करके बैठिए लंबा गहरा सांस लीजिए तीन बार लंबा गहरा सांस लीजिए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हाथ जोड़ करके ये भाव के हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सांस के लिए आज सुबह न जाने कितने लोगों के पास ये सांस नहीं होगी कितनों के पास ये हृदय की धड़कन नहीं होगी ये शरीर नहीं होगा ये भावनाएं नहीं होंगी मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद तो यहां से हम अपनी हैप्पीनेस की जर्नी का आरंभ कर सकते हैं और जीवन में छोटी छोटी चीजों में हमें खुशियां मिल सकती हैं बस हमें खोजने की आवश्यकता है ये सवाल को दो तरह से हम देख सकते हैं ये सबके लिए अगर हम नए टारगेट तय ही नहीं करेंगे तो हम जीवन में प्रगति भी नहीं कर सकते बिल्कुल लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के बाद नेक्स्ट टारगेट को हम कैसे देख रहे हैं हमारा नजरिया क्या है इसे आप कैसे समझाए बहुत सुंदर प्रीति जी यहाँ पर ना दो तीन चीजें हमें समझनी होंगी पहली चीज तो ये कि सुख को समझने के लिए दुख को समझना आवश्यक है खुशी को समझने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि हम दुखी किन चीजों पर हो जाते हैं और जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है कि हम टेम्प्ररी लाइफ में परमानेंट चीजों की तलाश कर रहे हैं हम चाहते हैं एक परमानेंट घर हो जाए एक परमानेंट गाड़ी हो जाए एक परमानेंट रिलेशनशिप हो जाए फिर एक दिन भूकंप आता है और हमें एहसास होता है कि अरे अरे मैं तो खुद भी परमानेंट नहीं हूँ तो मैं किस परमानेंट चीज की तलाश कर रहा हूँ तो एक तो इम का एहसास हमें दुख से दूर रखता है जब हम इसे यौगिक भाषा में समझते हैं दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसा कि इन्होंने भी कहा कि एक ऑब्जेक्टिव हो गया फिर हम अगले की तलाश में लग जाते हैं बिल्कुल हमारे सामने उद्देश्य होना चाहिए लेकिन जितना हमने प्राप्त कर लिया कम से कम उसको देखने का सुकून उसको देखने का एहसास वो कब होता है जब हम सिंघावलोकन करते हैं कि मैंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की और आज मैं कहाँ पहुँच गया और एक चीज़ जरूर यहाँ पर क्योंकि जब हम दुख की बात करते हैं स्ट्रेस एंग्जाइटी टेंशन डिप्रेशन ये बड़े आम नाम हमारे दिमाग में आते हैं और उसके बढ़ते हुए केसेस हम देख रहे हैं हमारे पास संस्थान में मैक्सिमम पेशेंट्स आज स्ट्रेस एंग्जाइटी टेंशन डिप्रेशन के आ रहे हैं तो इसको सिर्फ योग की भाषा में अगर हम समझें तो एक सूत्र से समझ सकते हैं जो अतीत में जी रहा है वो स्ट्रेस में जी रहा है वो हमेशा चिंता में जिएगा जो भविष्य में जी रहा है कल क्या होगा इसकी एंगजाइटी हमेशा हमें anxious बना कर रखेगी एंग्जाइटी में रखेगी योग हमें सिखाता है आज में जीना कल की हम प्लानिंग तो करें पर कल में इतना न खो जाए कि हम आज का आनंद लेना भूल जाए कोविड के समय पर तो हम सब ने देखा कि जीवन कितना छोटा सा और कितना सुंदर है तो आज में जब हम जीना शुरू करेंगे हम अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे और उसके लिए दो तीन काम बहुत अधिक नहीं सबसे पहली चीज इन्होंने अपने ही प्रश्न में उत्तर भी दे दिया कि हम गैजेट से घिरे रहते हैं क्योंकि अगर हम जीवित चीजों के साथ रहेंगे हम जीवित रहेंगे हम मशीनों के साथ रहेंगे हम मशीन बनते जाएंगे पति पत्नी भी देखे होंगे ना कुछ समय बाद एक जैसे लगने लगते हैं तो हमें क्या करना है हमें प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना है और हमारे जीवन में सोर्स ऑफ एनर्जी सन है डिप्रेशन एंग्जाइटी टेंशन दुख अगर हम दूर करना चाहते हैं सनलाइट में रहिए मेक श्योर आप 20 मिनट सनलाइट में जरूर बिताएं प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें शरीर को हिलाएं ताकि डोपामाइन जैसे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में क्रिएट हो थोड़ा बहुत सेवा करते रहें ताकि सेरोटोनिन हमारी बॉडी में क्रिएट हो हमारे जितने हैप्पी हॉर्मोन्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक बैलेंस डाइट लें मीठा पूरी तरह से कट ऑफ कर देना मीठा हमारे अंदर हैप्पीनेस लाता है उसका सेवन हमें जरूर करना चाहिए और दिन में पांच बार कम से कम दिल खोल करके हंसना चाहिए यानी हाथों को खोला पेट को ढीला छोड़ा और आपको लगेगा कि ये तो नकली हंसी है लेकिन नकली जब अपने आप को कहते रहते हो ना मैं दुखी हूं दुखी हूं दुखी हुँ, कुछ समय बाद दुखी हो जाते हो तो ऐसे ही अपने आप को कहो मैं खुश हूं मैं आनंदित हूं मैं एक हैप्पी सोल हूँ तो वही फीलिंग्स हमारे अंदर जनरेट होंगी और हम खुश होना शुरू हो जाएंगे बिल्कुल ने मीठे का भी जिक्र किया था और खाने से ही जुड़ा सवाल आ गया तो जाहिर तौर पर संयम खाने में भी रखना होगा लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जरा सी टेंशन हुई नहीं ओवर ईटिंग करने लग गए तो ये चक्र फिर से कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क पे असर का भी पड़ता रहता है कैसे करें इस देखिए आपने जब भोजन की बात की प्रीति जी तो सूत्र आता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हुई मन वैसा हुए तन और वैसा हुए जीवन तो हम क्या खा रहे हैं हम हिंसा से आया हुआ भोजन कर रहे हैं तो हमारे भीतर हिंसक प्रवृत्ति जागृत होगी हम दुख पीड़ा से आया हुआ भोजन कर रहे हैं तो हमारे भीतर भी दुख और पीड़ा जागृत होगी हम धरती में उगा हुआ पानी हवा आकाश के नीचे सूर्य की किरणों में उगा हुआ भोजन कर रहे हैं तो वैसी ही प्रफुल्लता वैसा ही आनंद और वैसी ही खूबसूरती हमारे भीतर आएगी तो हम जो खाते हैं वो हम बनते जाते हैं कंप्लीटली एक चीज़ तो हमें सात्विक आहार लेना चाहिए यौगिक आहार लेना चाहिए या, यानी जो प्रकृति में उगा है और प्राकृतिक भोजन है डब्बे में बंद होकर के एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है तो बहुत जल्दी हमारी भी एक्सपायरी डेट आ जाती है तो उससे हमें बच करके रहना चाहिए दूसरी चीज जो हमें भोजन में सदैव ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि किसी भी एलिमेंट को कट ऑफ ना करें कभी कभी हम इतना शरीर के धरातल पर जीते हैं कि बस मुझे वजन कम करना है वजन कम करना है इसलिए हमने देसी घी को कट कर दिया हमने मीठे को कट कर दिया आप जब विज्ञान पढ़ते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स की बात पढ़ते हैं तो वहां कहा गया कि पहले प्रीति जी हम लोग याद होगा आपको कहते थे ये मोटा है ना ये खुश है क्यों क्योंकि वो व्यक्ति मीठा खा रहा है हमने भोजन से ही अपने आप को डिप्राइव कर दिया ये भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण है तो भोजन संतुलित लें भोजन के बहुत सरल से नियम है वी शेप में भोजन लें क्योंकि हमें वी शेप का शरीर चाहिए पर अभी भोजन ऐसे लेते हैं तो ऐसे बनते जा रहे कहते आचार्य जी एब्स कम करने हैं तो हम कहते हैं ऐब छोड़ दो ऐब्स अपने आप कम हो जाएंगे <laughs> तो वी भोजन यानी हेल्दी सम्शिज ब्रेकफास्ट उससे हल्का लंच और फकीर जैसा डिनर सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में खाएं सूर्य अस्त के बाद कुछ ना खाएं क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सूर्य के साथ काम करता है और जब खाएं तब धन्यवाद का भाव रख के खाएं खुश होकर के खाएं प्रार्थना के साथ आरंभ करें ताकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को आपका ब्रेन सिग्नल्स भेजे कि भोजन आ रहा है तैयार रहो और जब आप इस प्रक्रिया के साथ भोजन करेंगे आप देखेंगे तन तो स्वस्थ हो ही होगा मन भी आपका शांत होने लगेगा प्रफुल्लित रहने लगेगा ने बताया भी था कि हम अतीत में जिएंगे या फिर हम अगर भविष्य में बहुत ज़्यादा जिएंगे तो मुझे लग रहा है नेगेटिविटी उसी का हिस्सा है बिल्कुल और पढ़ाई कर रहे हैं ऑफिस में हैं कोई भी काम कर रहे हैं पर वहाँ हम ध्यान नहीं लगा रहे क्योंकि तन से तो हम वहाँ हैं पर मन हमारा जो है, है वो कहीं और है तो इसको ऐसे समप करते हैं कि जितने भी मानसिक रोग हैं वो दुख से शुरू होते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर जब जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा था अर्जुन तब वो शस्त्र त्याग देता है और वो डिप्रेस हो जाता है और वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो जो बचपन से कर रहा था वो काम भी नहीं कर पाता है और तब रणभूमि के मैदान में योग का सबसे बड़ा संदेश दिया गया जब उसके मित्र उसके सखा गुरु रूप में उसे उपदेश देते हैं कि तस्मात योगी भव अर्जुन आपने प्रीति जी एक बात पूछी थी कि हम अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़े हमें ऑब्जेक्टिव तो रखना है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है हमें कर्म तो करना है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है हमें भविष्य की प्लानिंग तो करनी है पास्ट भी हमें भूलना नहीं है लेकिन उनमें जीना नहीं है हम जब प्रेजेंट में जीते हैं और उसके बहुत सरल से तरीके हैं स्वाध्याय है, यानी थोड़ा गीता का अध्ययन करें एक चीज़ आपके कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूंगी कि आजकल एक चीज़ ट्रेंड में आ गई है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को या एंजाइटी स्ट्रेस के पेशेंट्स को मेडिटेशन करना चाहिए जबकि योग दर्शन ये कहता है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को मेडिटेशन नहीं करना चाहिए यानी उन्हें अपने दिमाग को खाली नहीं रखना है ब्लैंक स्टेज पर नहीं ले जाना कुछ ना कुछ कार्य देते रहे जब वो जब भी वो खाली होगा वो फिर नेगेटिविटी की तरफ जाएगा तो आप अपने मन को कार्य एक ऑब्जेक्टिव आज रात को को अपने कल को पूरा का पूरा प्लान करें लेकिन उसमें लिप्त हुए बिना आप प्रातःकाल उठिए प्रातःकाल जागरण कीजिए योगाभ्यास कीजिए प्रकृति के सानिध्य में समय बिताइए एक्सपेक्टेशंस कम रखिए और जीवन में एक कृष्ण जरूर रखिए चाहे वो आपके माता पिता हैं पति हैं पत्नी हैं बच्चे हैं एक ऐसा मित्र जो आपको जीवन में जब गिरे तब वो उठा सके और दिन में तीन चार बार सिर्फ ग्रेटफुलनेस प्रभु इस शरीर के लिए धन्यवाद एक कॉलर ने ये प्रश्न किया कि अगर मुझे लगता है कि हर चीज़ गलत हो रही है हर चीज़ में नेगेटिविटी क्यों क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हैं और सोशल मीडिया के समय पर हर फील्ड के लोगों में ये हो गया अरे और तो छोड़िए योग के क्षेत्र के लोगों को हो गया और अरे वो मुझसे ज़्यादा काम कर रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को सोशल मीडिया से कंप्लीटली कट ऑफ नहीं लेकिन हर चीज़ उतनी मॉडरेशन में हम लें जितनी मेरे लिए महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है हर किसी का जीवन अलग है हर किसी की यात्रा अलग है कंपटीशन हेल्दी हो बट इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाएं कि हम दुख में चले जाएं हताशा में चले जाएं वो हमें नहीं करना है आप अपनी यात्रा को देखिए मैं कैसा था मैं आज कहाँ हूँ मैंने कितनी उन्नति की और जितना कुछ प्राप्त किया उसके लिए धन्यवाद थोड़ा सा सेवा जरूर करें देखिए वृद्धाश्रम में जाकर के समय बिताइए अनाथ आश्रम में जाकर के समय बिताइए विकलांग बच्चों के साथ समय बिताइए आपको लगेगा आई एम सो ब्लेस्ड और ये चीज And... जो आप बता रही हैं जी ये कोविड के बाद कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि लोगों को थोड़ा अच्छा फील हुआ है कि उन्होंने लोगों की मदद कर पाए तो उससे भी वो बाहर आए जैसे आपको लगेगा ना आई एम बेटर देन समवन और मेरे ऊपर बहुत कृपा है परमात्मा की अगर आपके पास पूरा शरीर है आपके पास बुद्धि है सोचने समझने की क्षमता है मन है फीलिंग्स हैं आप दुखी हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि जो भी नेसेसिटी है वो आपके पास है और प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट जल फ्री ऑफ कॉस्ट वायु फ्री ऑफ कॉस्ट किस चीज की टेंशन कर रहे हैं बाकी सब जो प्राप्त करें वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का आनंद लीजिए और जो है उसके लिए धन्यवाद का भाव रखिए बिल्कुल हमने जो सोशल मीडिया का जिक्र किया या अभी जैसे किसी घटना का जिक्र कर रहे हैं हम एक दूसरे से तुलना को बहुत ज्यादा हावी कर रहे हैं क्या अपने ऊपर और हो सकता है हम जिससे तुलना कर रहे हैं वो किसी और से तुलना करके वो बिल्कुल चिंता में हो तो ये तुलना जो है ये कितनी सही या गलत है बिल्कुल देखिए इन्होंने जो पहली बात कही कि हमारा ध्यान नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाता है क्योंकि उंगलियां अगर पांचों एक ही जैसी हो जाएंगी तो मुट्ठी कभी नहीं बनेगी ये तो सत्य त्रेता युग द्वापर युग कलयुग चला आ रहा है कि इम्बैलेंस होगा तभी बैलेंस क्रिएट होगा तो बस अब हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा देख रहे हैं इसलिए क्योंकि हम पॉजिटिविटी की तरफ देखने का समय नहीं निकाल रहे तो थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण बदल बदलिए जब दृष्टि बदलेगी तो नज़ारा भी बदल जाएगा नजरें बदलेंगी नजारा बदलेगा पॉजिटिविटी को देखिए दूसरी चीज ये जो प्रीति जी ने भी कहा और जो हमारे कॉलर ने पूछा उन दोनों में हम योग में भारत योग में विशेष रूप से प्रयोग करते हैं दिन के दो समय हमारे सबसे महत्वपूर्ण समय होते हैं और अगर आपने दो समय को यूटिलाइज कर लिया तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते हैं क्या है वो दो समय काल उठते के साथ क्योंकि उसके बाद जो थॉट लेकर के आप उठेंगे पूरा दिन आपका वो ही थॉट मेंटेन होगा उस वक्त आप का सलेट आपका कागज बिल्कुल एम्प्टी होता है दूसरा बिल्कुल सोने से पहले क्योंकि उस वक्त जो आपका थॉट होगा वो रात आठ घंटे तक आप होल्ड करने वाले हैं आप कोई क्राइम रिपोर्ट देख करके सोते हैं तो रात भर वही सपनों में आता रहता है है ना ऐसे प्रातः काल उठते के साथ आपने अगर मोबाइल फोन उठाया देखा कि मेरे कॉन्टेप्ररीज क्या करें भले अलार्म बंद करने के लिए उठाया लेकिन वहीं से हम सोशल मीडिया स्क्रोलिंग शुरू कर देते हैं कॉम्पिटिशन के भाव के साथ शुरू कर रहे हैं या हमने न्यूज देख करके दिन का आरंभ किया या हमने अखबार पढ़ के दिन का आरंभ किया तो जो कुछ समाज में हो रहा है जो बरसों से होता आ रहा है ऐसा नहीं है ये कुछ नया हो रहा है बस इंफॉर्मेशन इतनी अधिक हो गई है कि अब हम अपनी इच्छा से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं जो हमें परोसा जा रहा है हम उसको ले रहे हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं तो जो परोसा जा रहा है वो तो परोसा ही जाएगा हमें ये सुबह का आधा घंटा और शाम का आधा घंटा यानी उठते के साथ तब से आधा घंटा सोने से पहले आधा घंटा स्क्रीन लेस हो जाना है और ये इतनी कारगर प्रैक्टिस है कि हमने इससे इंसोमिया के पेशेंट्स को हील किया है डिप्रेशन के पेशेंट्स को हील किया है एंगजाइटी के पेशेंट्स को हील किया है अनिद्रा जिन्हें नींद आती नहीं है जो सपने बहुत देखते रहते हैं दिन भर थके रहते हैं तो क्या करना है सुबह आधा घंटा आप स्क्रीनलेस लेस हो शाम को आधा घंटा स्क्रीनलेस हो और इस समय में आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए थोड़ा सा जाप कीजिए आपके जीवन में जो कुछ पॉजिटिव है उसको एक बार विजुलाइज कर लीजिए अपनी स्क्रीन पर हमारे हमें परमात्मा ने यहाँ पर एक स्क्रीन दी है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं तो आग बन करके बैठिए देखिए कितना कुछ सुबह उठ रहे हैं बी ग्रेटफुल फॉर योर ब्रेथ बी ग्रेटफुल फॉर दिस बेड जिस पर मैं सोया हूँ बी ग्रेटफुल फॉर दिस हाउस जो आज मेरे सर पे छत थी बी ग्रेटफुल फॉर द फूड आई एम गोइंग टू ईट बी ग्रेटफुल फॉर माई रिलेशनशिप्स तो आप देखेंगे वो जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की एक लेयर चढ़ जाएगी पहले आधे घंटे में उसके ऊपर जितना नेगेटिव है वो धुलता चला जाएगा ऐसी रात को सोने से पहले आधा घंटा स्क्रीनलेस कुछ अच्छा पढ़ लीजिए मनन कीजिए चिंतन कीजिए स्वाध्याय कीजिए और मानसिक दुखों को दूर करने के लिए आप किसी भी धर्म से हैं इसे एक धार्मिक पुस्तक के रूप में नहीं पर गीता का अध्ययन जरूर कीजिए जो दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है वो जीवन में किसी को भी डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है और प्रीति जी हमने इस पर बहुत शोध किए हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स पर गीता पढ़ने का जो असर है वो योग का सबसे बड़ा ग्रंथ है उसको आप जरूर पढ़िए आप देखेंगे दुख आपके दूर होंगे डिप्रेशन से आप दूर होंगे आचार्य प्रतिष्ठा जी अब आखिरी ही कमेंट में आपसे लूंगी ये सवाल कोई भी दिक्कत आए किसी भी तरह की परिस्थिति हो सवाल ये आता है मेरे ही साथ क्यों और इसीलिए मुझे लगता है हम वो खुशी जो होनी चाहिए वो हम उस तरह से एहसास भी नहीं कर पाते तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे बिल्कुल और वो आपके ही साथ ही नहीं वो सब सबके साथ सबके मन में सबके मन में ये सवाल है तो सवाल में ही उत्तर मिल गया कि जो कुछ हो रहा है हम तो यहाँ तक ब्लेम गेम प्रीति जी मैं सिर्फ इसे ऐसे कहूंगी कि ये हमारे संस्कारों में दिया जा रहा है हमें बचपन से सिखाया जा रहा है एक छोटा सा बच्चा जब जमीन पर गिर जाता है तो माता पिता उसे ये नहीं कहते बेटा तू गिर गया कहते हैं जमीन की गलती है आओ जमीन की पिटाई कर देते हैं हमने बचपन से ये ब्लेम गेम का सिस्टम अपने बच्चों के संस्कारों में डाला है और जब हम बड़े भी हो गए तो गलती किसी की भी हो मेरी नहीं है दूसरे की है यहाँ तक कि हम भगवान तक को ब्लेम कर देते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तो पहले तो ब्लेम गेम से हमें ऊपर उठना है अगर हम मन की शांति चाहते हैं सुख चाहते हैं सिर्फ दो तीन चीजों का ध्यान रखिए जो मैंने आरंभ में कहा पहला सुख निरोगी काया हमें लगता है निरोगी काया मतलब सिर्फ पतला हो जाना लीन हो जाना नहीं आपका चेहरा दमकना चाहिए और वो कैसे दमकेगा जब आपका मन खुश होगा बिल्कुल सबसे मैं तो मैं महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं नहीं तो वो रिश्ते भी नहीं है वो संबंध भी नहीं है आप खुश नहीं हैं तो आपका परिवार खुश नहीं रह सकता आप एक खुश समाज का निर्माण नहीं कर सकते तो शुरुआत अपने आप से कीजिए बिल्कुल वैसे ही पुट योर मास्क फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग अदर्स तो आप नियमित योग साधना करें सूर्य के सानिध्य में समय बिताएं प्राकृतिक भोजन करें दिन में पांच बार दिल खोल करके हंसे और ग्रेटफुल रहें अपने आप से बात करें अपने आप को बताएं मैं परमात्मा की संतान हूं मैं बुद्धिमान हूं बलवान हूं धीमान हूं शक्तिमान हूं धनवान हूं यशस्वी हूँ तेजस्वी हूं तो देखिए जीवन में परिवर्तन आएगा बिल्कुल